हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। बुड़मू प्रखंड का यह माँ भवानी शंकर का मंदिर है, जहाँ बुड़मू क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में खड़ी पार्वती देवी ने अपने समर्थकों के साथ माँ भगवती के शरण में माथा टेका और चुनाव प्रचार के लिए निकला। इस क्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने उनका सहयोग दिया और नारा लगाते चली। 10 साल से जिला परिषद के सदस्य और उपाध्यक्ष के रूप में अपने क्षेत्र में वो वोट मांगने अपने प्रखंड में निकली है। डोर टू डोर जहां जनसंपर्क किया, वहीं बूढ़े नौजवान और महिलाओं से अपना आशीर्वाद लिया और उन्हें पर्चा थमाकर 1 नंबर रेफ्रिजरेटर छाप पर मुहर लगाने की बात कही। वहीं लोगों ने कहा कि पार्वती देवी हमारे सुख दुख में काम आती है और जब भी इनको बुलाया जाए हर संभव प्रयास रहता है इनका कि कोई भी काम अधूरा ना रहे। बिजली, पानी, सड़क और अन्य योजनाएं जो कि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, उनका इन्होंने भरपूर सहयोग से गांव वासियों को दिलाया है और महिला समूह में ऋण भी उपलब्ध कराया है, जिससे महिलाओं ने इनके प्रति जो आस्था दिखाई है वह यह हुजूम देखकर लग रहा है। जो है कर्मठ ईमानदार, संख्या 1 पर मुहर लगाकर भारी मत से विजयी बनाए और अपना बुड़मू पूर्वी क्षेत्र का जिला परिषद बनाए। जमी बोलेगी गगन बोल, प्रत्याशी है पार्वती देवी। इन्हें और हमारी महिलाएं उस का काम कर रहा है, घर भी मंगवा दिया इंदरवास और लेटरिन तो अभी नहीं मिला है, लेकिन लेटरिन भी हो जाएगा पार्वती देवी के चलते। पानी की भी व्यवस्था हो गया। खुश है इनके जब थी ये तो खुश है इनके कार्यक्रम में? खुश तो है, बिजली भी दिलवा दी है। गुरगांव पंचायत, मैं सरिता देवी, बुड़मू प्रखंड। 10 साल पहले हम लोग पार्वती के बिना अधूरा थे, हम लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। जैसे एक पेड़ का हम लोग पार्वती देवी पेड़ हैं, हम लोगों के लिए हम लोग इनका छाया है। ये हम लोगों के लिए सशक्ति का काम किए, हम लोगों को आगे आने का काम किए। हम लोग पुरुष जो प्रताड़ित होते थे इससे हम लोग वंचित हो गए, कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा है वो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। और हम लोगों के लिए पार्वती देवी बहुत कुछ किए हैं, हम लोग इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। चलिए धन्यवाद। पार्वती देवी यही तो खास है कि ये ग्रामीणों के बीच जाकर के समस्या को सुनते हैं और जो भी समस्या है उसको बड़ी नज़दीकी से जाकर के ये जो है जानते हैं, सुनते हैं और उसको हल करते हैं। ये जब से आए हैं बहुत से ऐसे गरीब हैं जिसका जो है लाल कार्ड, पीला कार्ड या जो है और जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इनका जो है बनाने का काम किया। और सबसे बड़ी खासियत जो है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की बड़ी समस्या रहती है, लेकिन जब से पार्वती देवी आए हैं ट्रांसफार्मर लगवाना, कहीं तार पहुँचाना, मतलब जगह जगह में इनके आने से यहाँ जो है आपका बुड़मू प्रखंड कहा जाए यहाँ जो है बिजली का काफ़ी सुधार हुआ है। चलिए नाम बताइएगा तो कुमार अंसारी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पार्वती देवी क्षेत्र में अपने काफ़ी प्रयास से इस क्षेत्र का खुशहाली बहबूदी लाए हैं और यहाँ के तमाम जनता काफ़ी खुश है
इसलिए कि पार्वती देवी ने बिजली का काम किया, पानी का काम किया, रोड का काम किया, और इस क्षेत्र में जब भी किसी भी जनता का कोई समस्या उत्पन्न होता है, पार्वती देवी हमेशा उस समस्या में खड़ी रहती है। और पार्वती देवी ने यहाँ के तमाम जनता का दिल को जीता है। इसी काम के उद्देश्य से मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आने वाला दिन में भी हमारे पार्वती देवी इस क्षेत्र में जो काम किए हैं, विश्वास है जनता से कि आगे भी पार्वती देवी से जिला परिषद के उम्मीद में काम करेंगे। और इन्हीं का हम लोग चाह रहे हैं कि काम करने का इन लोग को एक बार फिर हम लोग जनता मौका देंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मरगूब अंसारी। बहुत फायदा हुआ है, आरएफबी मिला है, और जैसे जिला परिषद दीदी हम लोग के गांव घर में बहुत काम भी किए हैं। और जिला परिषद दीदी जिस दिन जो भी जिस काम में बुलाती है उस काम में वो अपना आ जाती है। के लिए बहुत कुछ काम किए, जैसे तो पानी का साधन दिए, उसके बाद में हम लोग ग्रुप में सबके लिए तो महिला समूह के लिए पैसा दिलवाए, एक बार मिला 3,000, फिर 25,000 मिला, उसके बाद फिर 15,000 मिला, फिर मिला है 1,00,000। क्या कर रहे हो सब पैसा का? वो सब पैसा हम लोग लेन देन करते हैं ऋण में, जैसे समूह का कोई ले जाता है वो लोग को देते हैं, गाँव वाला कोई देता है। तो आप निर्भर बने ना, पैसा आया तो आप तो पति से नहीं मांगते हो? नहीं, अपने से। हाँ, हम लोग अपने से करते हैं, कोई महिला बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आप समूह की तरफ से, पार्वती देवी की तरफ से हम लोग बहुत महिला बाहर भी निकल रहे हैं, अपना कुछ काम भी करके दिखा रहे हैं। समूह का पैसा से कुछ खरीद किए? दुकान वाम किए? हम लोग समूह से विकास कर रहे हैं, विकास कर खेती बाड़ी करने के लिए रखते हैं, देते हैं पैसा, कोई मांगती है। पहले जो साहूकार से लोन में लेते थे तो अब नहीं। तो पार्वती मैंने एक तरह भगवान बन के आई आप? हाँ, भगवान बन के हम लोग का बहुत सहायता करते हैं, हम लोग कहते हैं पार्वती दीदी को तो एकदम पहले है हम लोग का दे रहे हैं। अभी चुनाव हो रहा है, क्या लगता है पार्वती को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। अच्छा, महिला क्या पार्वती देवी के साथ है? हाँ। पार्वती देवी एक सुसज्जित महिला है और अच्छा काम करती है, और पूरे प्रखंड में इतना सुंदर काम की है, महिला सशक्तिकरण का ही किया है काम, और बिजली का काम किया है, पानी का काम किया है, जो मूलभूत सुविधा होता है वो सब दिलवाई, एकदम योजना सब लाई है, एकदम योजना लाई है। अगला बार पूर्ण बहुमत से इनको ला रहे हैं ना? हाँ, फिर इस बार पूर्ण बहुमत साथ जिताएंगे। हैट्रिक मारेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार दीपक, ग्राम सूरी। मुड़मू प्रखंड अगर देखा जाए तो किसानों के लिए कहा जाता है सब्जी उत्पादन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, और सबसे ज़्यादा समस्या होता है बिजली और पानी का, तो कैसे देखते हैं इसमें? पार्वती देवी देखिए, उस समय जिस समय हम लोग का ठाकुर गांव का बिजली की इतना स्थिति खराब था, उस समय से हम जान रहे हैं पार्वती देवी पिठोरिया रोड में जाके, जबकि वहाँ का धरना प्रदर्शन कर दिया था, उस समय पिठोरिया रोड में जाके पार्वती देवी अकेले पानी में भींजते हुए बिजली को चालू करवाया, अच्छा बिजली मिला ठाकुर गांव को। उस समय सामने जानते हैं कि पार्वती देवी किसान को ले करके चलते हैं और किसान को कभी नहीं छोड़ते हैं, कोई भी अगर फोन करते हैं तो वो रिसीव करके और वो काम के लिए जारी करते हैं। नाम बताइएगा। जगदीश साहु जीवन बोली जी। मैं किसान हूँ, मेरा नाम जगदीश महतो है, घर पुराबार है। पार्वती देवी को अगर बोला जाए, जिला परिषद 10 साल अपना कार्यकाल में हमने देखा कि बिजली, पानी, सड़क और ये महिला सशक्तिकरण में इनका भारी योगदान रहा। 10 साल पहले हमारे यहाँ किसानों को यहाँ पर बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, अभी 10 साल के अंदर बहुत सारी सुविधाएं मिला है, और खास करके महिलाओं के लिए जो महिला समूहों का संगठन जो करवाए हैं वो बहुत ही कारगर है, और उसमें महिलाओं सबका उन्नति का रास्ता देखा जा रहा है। आसपास के क्षेत्र के जो युवा लोग हैं उसको वोट देने के लिए बोलिएगा आप? मैं तो हर समय प्रेरित करते रहता हूं, और इनके लिए मैं खून पसीना एक कर दिया हूं, इसमें कोई बोलने की
आवश्यकता नहीं है। इनको और अगर 5 साल का मौका दिया जाए तो जो भी अधूरे कार्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। और इनके अलावा अगर कोई भी दूसरा प्रत्याशी आएगा तो हमको लगता है और 10 साल पीछे। पार्वती देवी ने महिलाओं के साथ अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और यहाँ से पूरे दल बल के साथ पूरे गांव का भ्रमण किया और जनता से वोट की अपील की। साथ ही देखिए आज जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होने जा रहा है जिसमें 2 बार हमें जनता ने चुन करके रांची जिला परिषद का नेतृत्व करने के लिए उपाध्यक्ष में भी हमें मौका मिला 5 साल रांची जिला का नेतृत्व करने के लिए। और खास करके रांची जिला में ऐसा जो भी सरकारी योजना हुआ चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो जितने भी योजनाएं चल रही थी और उस योजना को हमने पूरे रांची जिला में उतारने का काम किया। और साथ ही हमें पूरा विश्वास है आशा है उम्मीद है कि हमने जो काम किया है और उस काम के बदले में अब फिर से हमें भारी बहुमत से हमें पूरा जनता के विश्वास है जनता में। और हम जो मेरा कार्य किया हुआ है जो हम दिन रात मतलब कि 24 घंटा जनता के बीच में हम रहे हैं चाहे 10 बजे रात हो चाहे 12 बजे रात हो जहां भी हो एक फोन में एक जनता के बीच में पहुंचे हैं। और हमें बहुत ही उम्मीद है और भरोसा भी है और भरोसा ही नहीं बल्कि 31 तारीख को जब ये आपका मेरा चुनाव चिन्ह है वो जब निकलेगा तो पूरा प्रत्याशियों को ठंडा कर देगा। जैसे कि चुनाव लड़ रहे हैं और भी प्रतिद्वंदी खड़ा है तो किसे टक्कर मारते हैं? देखिए ये तो प्रतिद्वंदी का बात ही नहीं है, इसमें प्रत्याशी एक खड़ा होना नहीं होना वो तो चुनाव का है तो वो मतलब उससे कोई टक्कर उकर का नहीं है। अपना वो खड़ा हुए हैं और खड़ा होना चुनाव लड़ना एक लोकतंत्र में स्वतंत्र है सभी कोई, ये टक्कर की बात नहीं है। हमने जनता को काम करके दिखाया है 10 साल में और सीधे जनता एक तरह से कहा जाए तो निर्विरोध तरीका से पार्वती देवी को जिताने जा रहा है। क्या कुछ कार्य और जो है बचा हुआ है जो 10 साल में नहीं कर पाए? देखिए जो मेरा कार्य रहा है खास करके अभी जो हम घूम रहे हैं क्षेत्र में बहुत जगह जा रहे हैं और खास करके मैंने पानी का पहले तो मैंने बिजली का पुरजोर तरीका से आंदोलन किया था और उस आंदोलन में हमने सफल भी हुए। जो पावर ग्रिड अभी बुड़मू में बन करके तैयार है और जो सिदरौल में ठाकुर गांव के लिए 5 MVA का जो ट्रांसफार्मर हमने लगवाया है और साथ ही ये बिजली मेरा बहुत ही सफल रहा। और दूसरा का चीज़ है मैंने पानी बहुत ही पानी का जो समस्या है गाँव में और देखा जाए तो 5 पंचायत में जो हो गया है और अभी बरसात का मौसम में बरसात नहीं मतलब गर्मी का मौसम में जो कि जहां से पानी सप्लाई हो रहा था आपका बुड़मू से तो वो सूख गया है। और कोरोना के चलते जो भूर नदी है वहां पर एक चेकडैम बनाने का था और वो चेकडैम 2 साल में बनाना था लेकिन जो कोरोना था उसके चलते नहीं बन पाया है। और अभी एस्टिमेट उसी समय का बना हुआ था 2 साल पहले का तो वहाँ पर एस्टिमेट कम होने के चलते टेंडर में नहीं गया और आचार संहिता लग गया। जीत करके जब हम आएंगे तो भूर नदी में जो चेकडैम बनना है जो बरसात का पानी बह जाता है नदी में तो उसको वहाँ पर स्टॉक करने के लिए हम बनाएंगे। और दूसरा का चीज़ है जो महिला सशक्तिकरण के लिए अभी मेरा महिला समिति बहुत आगे बढ़ गया जैसे कि अब महिला बृहत रूप से आने लगा है और उन लोगों के पास जो महिला समिति का रोजगार है तो उन लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनको आजीविका वहाँ पर